अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कुछ रिएजेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सीडेशन के हमने कुछ रिएजेंट्स लिए हैं। ये जो है ना एग्जाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए जो है ना आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एक जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट हम ऐसा ये देखें, इसमें ना आप लोगों ने एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि ये जोन्स एस पे खत्म हो रहा था, आपने इसमें एक रिंग में ना आपने एस ले लेना है। ये मैंने क्या कहा है कि आपने जोन्स, अगर आप लोगों को याद नहीं होता कि यार हमने कौन सा रिएक्शन लेना है, तो आप लोगों ने ये जो है जोन्स में एस आ रहा है ना इधर, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें आप लोगों ने एक रिंग में जो है ना एस लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास CH2OH है, ठीक है। अब इसमें हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एडिशन करवाएंगे किसकी मौजूदगी में, Na2Cr2O7 की मौजूदगी में। और इसमें हम यूज क्या करेंगे, एक्वस एसीटोन, और हम यूज करेंगे एक्वस एसीटोन के साथ साथ H2O4, ठीक है। अब इसमें से जो है ना ये इस जोन्स रिएजेंट में होता गया है कि इसमें ना अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। किस चीज की फॉर्मेशन होती है, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है कि इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन, ये इसमें से OH जाएगा, इसमें से ये हमारे पास OH गया और इसमें से एक हाइड्रोजन गया, बाकी क्या बच गया, CH, ठीक है। अब जो हम H2O, ये जो है ना हमारे पास एक OH और ये जो हमारे पास इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, तो क्या बन गया, H2O। H2O वाटर जो है ना वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसमें जो है ना हम ये वाली ऑक्सीजन जाके क्या करेंगे, इस CH के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये देखें बाकी जो है ना सेम एज इट इज ही लिखेंगे, जस्ट इसमें से देखें एक OH गया है और इसमें से जो है ना एक हाइड्रोजन गया है, ठीक है। इसे वैसे एक हाइड्रोजन गया तो बाकी एक हाइड्रोजन बच गया, ये ऑक्सीजन जाके क्या करेगी, इसके साथ बाउंड बना लेगी, एडिशन हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई और हमारे पास वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया, H2O जो है ना वो रिमूव हो गया। अब ये जो एल्डिहाइड है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये आप O को ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से ये ओ आ जाएगा और साथ जो है ना आप इसके इस तरह से भी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं और बाकी जो है ना ये वाला सारा आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और जो है ना इस जो है ना इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल और है। अब एक और एग्जाम्पल में जो है ना हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड, हमारे पास CH3 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड OH। अब ये हमारे पास एक जो है ना मॉलिक्यूल है, इसमें जो है ना हमने एडिशन करवा दी ऑक्सीजन की, तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन इसमें भी हमने क्या कर फॉर्मेशन हमने किस चीज की करवानी है, एल्डिहाइड की, तो ये क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2 बन जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाली ऑक्सीजन हमने एडिशन करवाई थी ऑक्सीजन की, वो इसके साथ जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ये जो है ना बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, बाकी जो है ना सेम आपने एज इट इज लिखना है, ये भी सेम एज इट इज लिखना है, ये जो है ना बाकी सारा एज इट इज लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपने जस्ट चेंज क्या करना है, इस ऑक्सीजन को जाके हमने इस पे रिएक्शन करवाना है, इसके पे अटैक करेंगे तो हमारे पास एक OH और यहाँ से जो है ना हाइड्रोजन जाके क्या बना देगा, वाटर बना देगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। इसमें हम यूज किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, CrO3 और एसीटोन, एक्वस एसीटोन जो है ना वो हमने ये यूज करने है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल अगर आप जो है ना लिखना चाहे तो एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हमारे पास C4N6 C CCH3CH। अब इसमें हमने एडिशन करवाई वही सेम के हम जो है ना इसमें एडिशन करवाएंगे, तो एडिशन हम कैसे करवाएंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन जाके हमारे पास रिएक्शन करेगा इसके साथ, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन और ये OH क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ अटैच होगा तो क्या बनाएगा, इसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, H2O, ठीक है। हमारे पास इसकी भी जो है ना हम लोगों ने ये चीज लिख ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और रिएजेंट है, पीपीसी रिएजेंट को हम ना पेरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट भी कहते हैं, पेरिडीनियम क्लोरो
क्रोमेट भी इसे कहते होते हैं। अब इसमें जो है ना हमने एक रिएक्शन लिया है, इस रिएक्शन में जो है ना हमने क्या करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं ऑक्सीजन की। तो इसमें भी सेम वही होगा कि हमारे पास वाटर का क्या होगा, रिमूवल होगी। वाटर की रिमूवल कैसे होगी, यहाँ पे ये देखें CH3CH2 × 3 CCC हमारे पास COH आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें इसमें एडिशन हो रही है ना, ये ऑक्सीजन आके क्या करेगी, इस पे अटैक करेगी, इस कार्बन के साथ अपना डबल बॉन्ड बना लेगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना के ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बाकी सेम आपने एज इट इज लिखना है, और जस्ट इसमें क्या करवानी है, एडिशन करवानी है ऑक्सीजन की। और ये बाकी जो था हमारे पास ये HOH, और इसमें से वाटर जो है ना वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमारे पास एक वाटर बन गया, और ये हम किसकी मौजूदगी में करवाते हैं, PPCH2Cl2 की मौजूदगी में करवाते हैं। बस आप लोगों ने ये मेन चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब नेक्स्ट ये होता है 45 जो परसेंट है, 84% जो है ना ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, हमारे पास रिसीव होता है। अब नेक्स्ट जो है ना हमने एक और मॉलिक्यूल लिया, देखें इसमें जो है OH है, और यहाँ पे क्या है CH2 × 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये देखें, अब इसमें 6 है ना, हम जो है ना CH2 जो है ना इसके साथ भी लिख सकते हैं बाहर, और जो है ना इसके साथ भी हम CH2 जो है ना लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ भी हमने इस OH के साथ भी CH2 लिख दिया, इस CH2 भी लिख दिया, इधर फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये मैंने 4 लिखा है। अब इसमें एडिशन होगी ऑक्सीजन की, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा इस इधर, और एक ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा हमारे पास किधर, इधर। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक हमारे पास OH ग्रुप, इधर से भी OH ग्रुप, और इधर से भी OH ग्रुप, और इधर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और इसमें से जो है ना इस CH3 में हमारे पास 2 वाटर के क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 आ जाएगा, और ये H2 आ गया। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से क्या गया, H2, यहाँ से आप ले लो एक हाइड्रोजन ले लो, यहाँ से हाइड्रोजन गया, और इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है, क्या करना है, इसको ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास ये देखे मैंने क्या लिखा है, CHO, क्या लिखा है, CHO, मतलब कि एक CH हमारे पास CH2 को जो है ना हमने 2 CH2 जो है ना बाहर लिख के इसके साथ लिख दिए। ठीक है, क्या किया मैंने, इसके साथ CH2 जो है ना वो 2 बाहर लिखिए। अब इसमें होगा क्या, एक हाइड्रोजन इसमें से इस CH3 में से जाएगा, और एक OH ये जाएगा, तो हमारे पास इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, हमारे पास CH इधर बच जाएगा, और ये जो है ना ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो इसके साथ इस CH के साथ आगे अटैच होगा, तो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ऐसे ही इस साइड पे होगा, हमने ये जो CH2 थे इसको एक CH2 को बाहर लिखा है, तो एक CH2 को बाहर लिख के जो है ना इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, और इसमें से जो है ना OH लिया, तो क्या बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, इधर CH बच जाएगा। अब इधर CH और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ आके अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। ठीक है, यहाँ इसमें डिफरेंस ये देखें कि इसमें मैंने कहा कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 4, और इधर मैंने कितने लिए, 6। अब ये दो हमने बाहर निकाले थे, इसमें से एक कार्बन हमारे पास ये आ गई, और एक कार्बन ये आ गई, और एक हाइड्रोजन जो है ना इस OH के साथ इस OH को लेके रिमूव हो जाता है, और एक जो है ना इसमें से जो है ना एक हाइड्रोजन लेके रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा, पेरिडीन PPC का जो है ना एक रिएक्शन। अब हमारे पास एक बेंजीन में अगर हम ले कोई एक रिएक्शन बेंजीन की फॉर्म में, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास इस तरह से कुछ होगा कि हमारे पास ये एक बेंजीन है, इसमें CH3 जो है ना 2 CH3 ग्रुप अटैच है, क्या है, CH2 जो है ना CH3, इधर भी CH3 ग्रुप अटैच है, और इधर भी हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच है, और इधर भी हमारे पास क्या है, CH3 ग्रुप अटैच है। अब हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या करेंगे, अटैक करवाएंगे ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन आके अटैक करेगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, और ये CH2 था, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन जाके इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CHO, बाकी जो है ना सेम एज इट इज ही आप लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक जो है ना ओपनियर ऑक्सीडेशन जो है ना एक हमारे पास एक इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोगों ने ना ओपनियर, जहाँ पे आपकी बात, आप लोगों के पास ओपनियर का वर्ड आना है ना, आप लोगों ने फौरन से याद रखना है कि इसमें एक ओपन चेन होगी, और 8 इसमें क्या होगी, कार्बन होगी।
क्या होगी, आठ इसमें आप लोगों ने कार्बन लेनी है और एक OH और एक CH3 ग्रुप लेना है। जहां पे भी ओपन ईयर का वर्ड आ जाए आप लोगों ने क्या याद रखना है, आठ कार्बन, और हमारे पास आठ कार्बन के साथ आप लोगों ने याद रखना है कि ये ओपन ईयर मीन्स ओपन में होंगी, क्या होंगी, ओपन होंगी, क्या होंगी, ओपन होंगी, ठीक है। ओपन आप लोगों ने आठ कार्बन लेनी है। अब आठ कार्बन में से आठ कार्बन के साथ आप लोगों ने एक OH ग्रुप अटैच करना है, एक आपने कौन सा CH, एक आपने क्या लेना है OH ग्रुप लेना है, और एक आप लोगों ने लेना है CH3। बस ये अगर आप लोगों को याद रहे ना कि ओपन ईयर में हम जो है ना ओपन रिएक्शन लेंगे, ओपन रिएक्शन लेंगे, और इसके साथ जो है ना हम एक ओपन ईयर में हम आठ कार्बन ओपन चेन में लेंगे, और एक जो है ना OH ग्रुप अटैच होगा और एक CH3 ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पे देखें, एक कार्बन, दो, यहाँ पे तीन, और ये क्या होगा, चार, और ये पांच, और ये छह, और ये हमारे पास सात, आठ, ये कितनी होगी, हमारे पास कार्बन आठ, आप लोगों ने कार्बन ले लेने हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, एक OH ग्रुप, ये देखे मैंने एक OH ग्रुप पहली पोजीशन पे अटैच कर दिया, और उसके बाद दूसरी पोजीशन पे, और सिक्स पोजीशन पे, टू सिक्स पोजीशन पे आप लोगों ने जो है ना एक पोजीशन, टू पोजीशन पे OH ग्रुप ले लेना है, और जो है ना सिक्स पोजीशन पे CH3 ग्रुप लेना है, ठीक है। इसको आपने एडिशन करवानी है, बट जो है ना ऑक्सीजन हमने क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवा रहे ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन होगी। अब इसमें से जो है ना सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को लेना है, ऑक्सीजन को लेके इस पे जाके अटैक करना है, ऑक्सीजन आके इसके साथ जैसे अटैक होगी, अटैच होगी, तो यहां से OH और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्या होगा, यहां से एक हमारे पास हाइड्रोजन और दो हमारे पास क्या होंगे, एक OH ग्रुप, एक हमारे पास क्या होगा, ये OH ग्रुप, और यहां से हाइड्रोजन, ये हो जाएंगे रिमूव, और ये वाली जो ऑक्सीजन है वो आके इस पे अटैक करेगी, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, तो इस पे ये क्या बना देगी, डबल बॉन्ड बना देगी। बाकी जो है ना आपने सेम एज इट इज, आठ की आठ जो है ना कार्बन सेम एज इट इज ही आप लोगों ने लिख देनी है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि OH के बाद आप लोगों ने एक तरतीब याद रखनी है, कौन सी तरतीब है, वो है डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, क्या एक तरतीब याद रखनी है, ये देखिए सिंगल डबल, सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये आप लोगों ने ये तरतीब भी याद रखनी है, कौन सी, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इस तरह से ये सिंगल डबल होता रहेगा, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। अब ये ओपनियर जो रिएक्शन है ये हमारे पास होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम ब्यूटो ऑक्साइड, किसकी मौजूदगी में, ये आप लोगों ने याद रखना है, किसकी प्रेजेंस में होता है हमारे पास अल्मोनियम ब्यूटो ऑक्साइड, और हम और क्या यूज करेंगे, एसीटून, एसीटून के अलावा जो है ना हम बॉइलिंग बेंजीन लेंगे, ठीक है। आप लोग जस्ट ये दो चीजें याद रख लो, बाकी जो है ना आसान है। कौन सा, एक तो आप लोगों ने ओपन ईयर में, जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि ओपन ईयर या ऑक्सीडेशन, ओपन ईयर रिएक्शन ऑक्सीडेशन में आपने लेना है कि एक ओपन चेन रिएक्शन जो है ना रिएक्शन लेना है, उसमें आप लोगों ने आठ कार्बन ले लेनी है, आठ कार्बन का एक ओपन चेन रिएक्शन लेना है, और जिसमें एक OH ग्रुप अटैच होगा सेकंड पोजिशन पे, और सिक्स पोजिशन पे हमारे पास CH3 ग्रुप होगा, और हमारे पास इसमें रिमूवल होगा, वाटर की रिमूवल होगी, ठीक है। वाटर की रिमूवल होगी किसकी मौजूदगी में होगी, हमारे पास एसीटोन और अल्फा अल्मोनियम ब्यूटोक्साइड, अल्मोनियम ब्यूटो ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी। ऐसे ही हम एक और रिएक्शन लेते हैं, सपोज करें हमारे पास ये एक 3R2CH बॉन्ड OH, हमारे पास ये एक ग्रुप है, हमारे पास एक ये जो है ना एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन में हम क्या करवाएंगे कि ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो है ना हम क्या करेंगे, ये अल्मोनियम जाके हम क्या करेंगे, इधर इसके साथ अटैच करेंगे, क्या करेंगे, अल्मोनियम इसके साथ आके अटैक करेगा, और ये जो OH होगा और इसके साथ ये जो ऑक्सीजन होगी वो भी इसके साथ आके अटैक होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन भी आ जाएगी और अल्मोनियम भी आ जाएगा, और यहां से जो है ना वाटर जाएगा, OH जाएगा, यहां से क्या जाएगा, OH, और यहां से क्या जाएगा, ब्यूटोल, B2, BUT, आप यहाँ पे BUT भी लिख सकते हैं, यहाँ पे BU भी लिख सकते हो, ब्यूटा ब्यूटेन, मतलब इसका ब्यूटो का मतलब, ब्यूटोक्साइड का मतलब है ब्यूटेन, यहाँ पे आप ब्यूटेन OH यहाँ पे आ जाएगा। अब रिमेनिंग जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा, R2, ये R2 आ गया हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा, CH3CHO, यहाँ पे C और यहाँ पे आगे H, और ये वाला ऑक्सीजन जाके इसके साथ अटैक हो, यहाँ पे OH जो था वो इसके साथ अटैक हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने एसीटून के साथ जो है ना, एसीटून के साथ कीटोन के साथ आपने रिएक्शन करवाना है, क्या, कीटोन के साथ, कीटोन का क्या फार्मूला होता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड R,
ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, कीटोन। तो आप लोगों ने एक यहाँ पे एसीटोन लेना है, कौन सा लेना है, एसीटोन लेना है। एसीटोन का आपने रिएक्शन करवाना है। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, इसमें सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास सी एच ए का जो ग्रुप था इसको अलग कर लिए, ये हमारे पास कितने थे, तीन थे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको क्या लिखे हुए, तीन। तो इस तीन में से एक जो हमारे पास आर टू सी एच ओ एक आ गया बाहर, ठीक है। बाकी यहाँ पे कितने बच गए, आर टू सी एच ओ यहाँ पे बच गया टू, तो ये मैंने अल्मोनियम और हमारे पास आर सी एच ओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप अल्मोनियम का संघ यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आप लिखोगे, टू, क्योंकि एक जो है ना हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एसीटोन था इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, सी एच टू, मतलब इसको जो है ना मैंने इसके साथ मिला दिया, और ये वाला जो बॉन्ड था इसको मैंने ब्रेक करवा दिया, किसके साथ अटैच करवा दिया, इसके साथ अटैच करवाया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अल्मोनियम सी एच ओ टू, ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास सी एच ओ है इसमें से हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर टू सी, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड इसके साथ बना लेगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो है ना हम इसको ओपन करके लिखा है, ये थोड़ा मैंने जो है ना इकट्ठा करके लिखा था, ठीक है। इसमें अब ये बाकी जो ये हमारे पास हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन जाके हमारे पास इस बी ओ एच के साथ जाके क्या करेगा, बी ओ एच के साथ अटैच होगा, और हमारे पास क्या होगी, वाटर, और यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये ओ एच जाके रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास बी यू बन जाएगा। अब बी यू का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा, बी यू बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो है ना कीटोन बनाना था वो हमने बना लिया, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।